पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को चीन के मामले पर नसीहत दी है। पहले आपको यह दिखाते हैं कि उस लेटर में क्या लिखा है जो पूर्व पीएम ने लिखा है प्रधानमंत्री मोदी को। 15-16 जून 2020 को गलवान वैली लद्दाख में भारत के 20 साहसी जवानों ने सर्वोच्च कुर्बानी दी। इन बहादुर सैनिकों ने साहस के साथ अपनी सर्वोच्च कुर्बानी देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज हम इतिहास के एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। हमारी सरकार के निर्णय और सरकार के उठाए गए कदम तय करेंगे कि भविष्य की पीढ़ियां हमारा आकलन कैसे करें। हमारे प्रजातंत्र में ये गहन दायित्व देश के प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री को अपने शब्दों और ऐलानों से देश की सुरक्षा और सामरिक और भूभागीय हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति बेहद सावधान रहना चाहिए। हम सरकार को आगाह करेंगे कि भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीति तथा मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता है। पिछलग्गु सहयोगियों से प्रचारित झूठ के आडंबर से सच्चाई को नहीं छिपाया जा सकता है। हम प्रधानमंत्री को आगाह करते हैं कि वो वक्त की चुनौतियों का सामना करें। इससे कुछ भी कम जनादेश से ऐतिहासिक विश्वासघात होगा, ये लिखा है इस चिट्ठी में। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर। रमन, आप इस लेटर को किस तरह से देखते हैं? क्या इन नसीहतों को सरकार को मानना चाहिए या इस पर भी पॉलिटिक्स होनी चाहिए? देखिए, मनमोहन सिंह ने अपनी चिट्ठी में नरेंद्र मोदी के बयान को आधार बनाया है। वो बयान, जिस बयान को उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा और मीडिया को जारी भी किया गया, जिसमें उनका ये कहना था कि गलवान घाटी पे जो लगातार बातें सामने आ रही है कि भारत की सीमा पर कोई नहीं घुसा था गलवान की घाटी में, और विपक्ष ने उस पर सवाल खड़ा किया था। लेकिन बाद में हमने देखा कि प्रधानमंत्री के बयान को चीन की मीडिया ने भी इस्तेमाल किया था। उसके बाद सरकार को फिर से उस पर सफाई देनी पड़ी थी। तो ऐसे समय में जो संवेदनशील ये लम्हा है, ये संवेदनशील मौका है, इस पर अगर भारत के प्रधानमंत्री के बयान को आधार बनाकर चीन की मीडिया या चीन की सरकार विश्व पटल पर यह कहने की कोशिश करे कि जब भारत के प्रधानमंत्री ही कह रहे हैं कि कोई भी कब्जा नहीं हुआ है, कोई भी हमारी इलाके में चीन की सेना नहीं घुसी है, तो किस आधार पर 20 जवान शहीद हुए? इसको लेकर उन्होंने कहा कि कूटनीति का जवाब आप भ्रामक प्रचार से नहीं दे सकते। कूटनीति को कूटनीति के तरीके से ही आपको अलग अलग जो विश्व के बड़े देश हैं उनको कन्विंस करना पड़ता है, उनको अपनी बात रखनी पड़ती है। लेकिन इस मामले में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के बयान पर बाद में पीएमओ को सफाई देनी पड़ी और पूरी तरीके से उन्होंने कहा कि उनकी बात को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन ऐसे मौके पर चूंकि प्रधानमंत्री के बयान को आधार बनाकर चीन की सेना या चीन की सरकार आगे बढ़ने का काम करती है, अपने बचाव में उसका इस्तेमाल करती है, इसीलिए कहीं ना कहीं इसका जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई तभी हो सकती है जब पूरे देश के लोगों को इस पर भरोसे में लिया जा सके।